के लिए मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आज के अतिथि और मुख्य अतिथि कहिए रूप में उपस्थित हमारे यहाँ डॉक्टर शुएब अफजल साहब, मास्टर चरफ आलम साहब और हमारे माननीय श्री सुलेमान चजा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और साक्षी में कोचिंग और ट्यूशन सेंटर से संबंधित कार्य करने वाले कई सारी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। उनमें मुख्य तौर पे इंजीनियर सिराज आलम साहब हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे सामने श्री आफ्ताब आलम साहब बीच में बैठे हुए हैं। उन सभी लोगों का, आप सभी अतिथिगण हमारे सामने जनाकार लिए हुए आज के ये विद्यार्थी और छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों की तरफ से आज जर्नी ऑफ चेंज के इस जो बदलाव यात्रा कहिए और ज्ञानदीप टीचिंग प्रोजेक्ट की इस अनुभवी शुरुआत और एक ऐतिहासिक प्रयास के लिए मैं आप सभी की तरफ से जर्नी ऑफ चेंज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के पात्र हैं। इससे पहले कि इस सभा की शुरुआत की जाए, मैं इस अपने तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से जर्नी ऑफ चेंज के चेयरपर्सन कहिए श्री नासिर जमाल साहब जिनकी कर कमलों और उनके अंथक प्रयास और इनके इस सराहनीय और ऐतिहासिक कदम के जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और आप और हम सभी का यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इनकी प्रशंसा की जाए और प्रशंसा होनी चाहिए। जिस तरह से आज पूरे विश्व में शिक्षा जगत के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, और शिक्षा हम सभी को मालूम है एक ऐसी चीज है कि हम और आप जब इस चीज को अपनी निजी जीवन में उतारने के लिए कार्यरत होते हैं और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम और आप जब इच्छुक होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि एक ऐसी चीज है शिक्षा कि जब आपके अंदर ये जब भी आएगी, आपके बच्चों के अंदर जब भी आएगी ये शिक्षा, एक नई तरह से बदलाव और नया एक परिवर्तन लेके आएगी। हम और आप जानते हैं कि शिक्षा अगर कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी या कोई मनुष्य जिसके पास में शिक्षा की ये दौलत और अनमोल खजाना अगर नहीं है, तो अशिक्षित व्यक्ति हम सबको मालूम है कि एक मवेशी और जानवर के समान है, जो ये नहीं जानता है कि हमारा आप के बीच में फर्क और अंतर क्या होनी चाहिए। एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सामाजिक सेवाएं हो जिसकी, या आईएएस हो, आईपीएस हो, जितनी भी चीजें हैं जो इंसान को और मनुष्य को उसके अंदर से एक नए बदलाव की भावना को लेकर नई चरम चीजें जन्म देती है, उस बदलाव के लिए शिक्षा का जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंस, जो बदलाव का एक नजरिया है, शिक्षा की वजह से हम और आप उस शीर्ष स्थान पर बैठ सकते हैं जहां पे हमारी और आपकी सोच भी नहीं जा सकती है। इससे पहले कि मैं ज्यादा मुन्ना बोलूं, मैं शुरू करूंगा यहां से कि आज के इस सभा के आयोजन के लिए जर्नी ऑफ चेंज के सदस्यगण, चेयरपर्सन और इस जर्नी ऑफ चेंज के जितने भी सहयोगी और जितने भी यहाँ के सपोर्टर्स हैं जो शिक्षा के लिए कार्यरत हैं, सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ और धन्यवाद हम अपनी तरफ से देते हैं, और इस चीज़ की आशा करते हैं कि आप जर्नी ऑफ चेंज के इस बदलाव यात्रा के लिए अपने आप को, अपने को, स्वयं को इस चीज़ के लिए आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप जर्नी ऑफ चेंज के भागीदार हैं और इस भागीदारी में आप अपना भी नाम लिखवाएंगे। सबसे पहले मैं जर्नी ऑफ चेंज के चेयरपर्सन महानुभाव श्री नासिर जमाल साहब को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो आए, चूँकि आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है जिस तरह से देश में, जिस तरह से पूरे राज्य में कहिए या देश में कहिए, गली कूचों में कहिए, सेंटर्स, ट्यूशंस या कोचिंग या इस तरह के जितने भी स्टडी सर्कल्स हैं, जिस तरह से आज मैं कहूँगा कि व्यवसायीकरण की जो बात हो रही है कि आज लोगों ने शिक्षा जगत को बिजनेस और कॉरपोरेट सेक्टर की एक कठपुतली बना के लोगों ने छोड़ दिया है,
जहाँ तक शिक्षा की और मूलता के सवाल है, जहाँ तक एजुकेशन क्वालिटी के सवाल है, वो आज बिल्डिंगों और आज कॉर्पोरेट जगत के लोगों के अंदर सिमटती हुई एक कठपुतली के मानिंद हम और आप देख रहे हैं, जहाँ ना तो क्वालिटी की बात होती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल क्वांटिटी की बात की जाती है। और हमारे कोचिंग सेंटर में, हमारे स्टडी सेंटर में, हमारे ट्यूशन सेंटर में कितने बच्चे आते हैं, क्वांटिटी गिनी जाती है। लेकिन कभी हम और आप इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देते हैं, इस क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलने का हमारा जोश, जो हमारा जुनून, हमारा प्रयास होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए हम तात्पर्य रहें। और उस चीज़ के लिए एक अनोखी पहल और सराहनीय कदम आज हम यहाँ आके ये देख रहे हैं। हमारे नासिर जमाल साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी व्यवस्थाओं को, हम गवर्नमेंट मशीनरी और उसकी सिस्टम्स के लिए एक नया रेवोल्यूशन कहिए शिक्षा जगत में हम लेना चाहते हैं, जहां पे बच्चे निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं और निःशुल्क पढ़ाई का यहां बंदोबस्त और व्यवस्था की जा रही है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है कि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के डिसिप्लिन, इस तरह का एक सरकारी तंत्र और सरकारी सिस्टम के अंदर एक नए तरह से बदलाव होने चाहिए। और इस बदलाव के लिए हम और आप जहां तक जानते हैं, जहां तक पढ़ते हैं, जहां तक सुनते हैं, ये होने चाहिए। ये एजुकेशन ही है, ये एजुकेशन है जो आपके सामने बोला है। कई सारी चीजों को हमने नोट किया, एक वक्ता, एक स्पीकर के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने लीडरशिप की बातें की। ये सच है कि आज हमारे समाज में, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, लीडरशिप की कमी है। हम जब भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, ये सच है कि हम उसके पीछे लग जाते हैं कि उसकी उदाहरणा, उसका उद्देश्य, जो उसने अपने मनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर जो चीज सोचा और जो चीज बांटने की कोशिश करने का जज्बा और जोश अपने मन के अंदर जो समाया, उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगा। ये सच है, हमें उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा नासिर जमाल साहब के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग से बातें गए और कारवां बनता गया। आप पीछे ना हटे, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहे। और इसके बाद मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। और तुम न बनना कभी झील के पानी की तरह, दरिया बनो तो कुछ दूर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक कदम और इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं एक बार फिर से जर्नी ऑफ चेंज के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। और इस आशा के साथ में कि आप इस चेंजिंग और इस बदलाव की यात्रा में सभी लोग साथ साथ रहें, आप लोगों के लिए हमारे समाज की तरफ से सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। और हमारे सामने जितने भी लोग विराजमान हैं, सब लोगों का वादा है कुछ ना कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में जरूर करने के लिए।